जालौन, महिला सिपाही के पति की धारदार हथियार से की नृशंस हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह। सदर कोतवाली उरई के शिवपुरी मोहल्ले का मामला। राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। घटना हुई है आपके सामने, क्या कैसे हुई? जी घटनाओं का पता हम तो यहाँ थे नहीं। घटना हुई आज पौन घंटा पहले। क्या घटना घटी हुई? अब ये बता रहा है कि उसके लिंकी के का नाम पिताजी और भाई और मामा ने मनीष को मारा, उसके पति को। आप मकान मालिक हैं? जी, जी, कुछ हत्या का कुछ पहले पता चला? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई कभी नहीं। इसका जो भाई जरूर एक हफ्ता पहले आया था, अब वो देखें सकल से तुम पहचान बता दें कि यही भाई था कि और दूसरा था। एक हफ्ता पहले आया रात को का। आपको कब पता चला कि घटना हुई है? हमको तो अभी डॉक्टर रंजीत है ना, वो बगल में क्लिनिक करे, उन्होंने फोन किया घर को। उस मकान में हम रहते हैं। ये बच्चे की है? उसी का बच्चा है, लिंकी का। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। बच्ची का नाम क्या? बच्चे का नाम तो सेवा, सेवा कहते हैं। लड़का है? लड़का, लड़का है। ठीक, सेवा पांच माह का। ठीक, क्या मामला है पूरा? पता ये थाना भाई जनपद जालौन में लगभग 8 बजे से अभियान कार्यालय में तैनात आरक्षी उनके पति की हत्या कर दी गई, और जो जानकारी मिली दो लोग हमने पूछताछ कर लिए। जो मृतक है मनीष ससुर यानी हॉस्पिटल के पिता, हॉस्पिटल के पिता, उन लोगों ने चाकू से लूट कर उसकी हत्या की। वो लोग आज जो किराए के मकान में रहते हैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। इसी दौरान कोई वाद विवाद उनका आपस में आए और उसी दिन चाकू से लूट के। सर, हत्या के मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए अभी लगभग आधा सौ लोग पूछताछ कर रहे हैं, जैसा भी आपको बता दें। कुछ लोग गिरफ्त में आए हैं? हाँ, वो लड़की के पिताजी पिता हैं और लड़की का भाई है जो गिरफ्त में आए हैं, और उन्होंने ही। ठीक। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।